फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस अगेन। देखिए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और एडवांस लेवल मैथ्स और ज्योमेट्री के मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। और अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन है तो उस पर क्लिक करिए और आपको हर नोटिफिकेशन उसकी मिलेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर मैं मैक्सिमम जो स्क्वायर है मैक्सिमम कितना स्क्वायर जो है वो रख सकता हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आपको एक ट्रिक से नहीं करना, आपको एक बेस मैं आपको बताऊँगा और वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। वो जो तरीका है बस वो आपको आना चाहिए कि वो कैसे होगा, ठीक है। पहले मैं सिंपल तरीका बताऊँगा, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल बताऊँगा। मुश्किल तो यार कुछ भी नहीं है, जिन लोगों ने प्लस वन प्लस टू का मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनको तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। और आपको वैसे तो प्लस वन प्लस टू में मैथ्स लेना चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट को स्ट्रोंग कर देगा। चलो नहीं लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए ये आपका ये ट्राइंगल हो गया इस तरह से पी क्यू आर, तो उसके अंदर ये मैक्सिमम आपको इंस्क्राइब करना है। देखिए लेट से आपको ये एरिया, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ एजम्पशन के लिए। क्यू जेड मैं एच मान लेता हूँ, यू वी मैं आपका एक्स मान लेता हूँ, तो मेरा आपका क्यू एम, ये एम पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्यू एम, ये कितना आया आपका एच। अब ये यू वी एक्स है, ये स्क्वेयर है, तो ये भी आपका एक्स होगा, तो ये आपका कितना आ गया एच माइनस एक्स, ठीक है, क्यू एम आपका एच माइनस एक्स आ गया। तो आप इसका एरिया, इसका एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका पी आर है, पी आर ये मैंने सी माना हुआ है, ठीक है, तो पी यू प्लस यू आर प्लस ये इतनी साइड आपकी क्या है एक्स है इज इक्वल टू सी, तो पी यू प्लस यू आर इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देखिए इतने एरी पार्ट में इस शेडेड रीजन में से मैं पूरे ट्रायंगल में से शेडेड रीजन निकाल दूं ये निकल जाएगा, तो पूरे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू एच इज इक्वल टू शेडेड का निकालिए इसमें से शेडेड का, तो हाफ इंटू पहले मैं इसका निकालता हूँ, ये बेस एक्स हो गया इंटू ये कितना हो गया सी क्यू एम एच माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ये इसका पी यू इंटू मतलब हाफ कॉमन ले लूँ इंटू पी यू इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू यू आर इंटू एक्स हाफ सी एच माइनस हाफ एक्स इंटू एच माइनस एक्स प्लस हाफ कॉमन एक्स भी कॉमन, पी यू प्लस यू आर कितने के इक्वल है सी माइनस एक्स के, ठीक है। जब इतनी चीज़ को आप सोल्व करिएगा आपके पास एरिया बन जाएगा ऑफ एस टी यू वी, एस टी यू वी का एरिया, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा। सॉरी आपको साइड निकालनी है तो साइड का ही मैं सीधा बता देता हूँ। देखिए साइड में आपको क्या करना है, इस पूरे का जो एरिया है पी क्यू आर है हाफ सी एच इज इक्वल टू इन सारे पार्ट्स का एरिया ऐड कर लीजिए, इसका भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये कर दिया आपने, ये आपका तीनों का निकल गया था, इसका आपको क्या आएगा एक्स है साइड, ये स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वेयर और ऐड करिए, इसको जब आप सोल्व करोगे, सोल्व व्हेन यू विल सोल्व फॉर एक्स, सॉरी व्हेन इट इज सोल्व फॉर एक्स, ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू सी एच ओवर में एच प्लस सी, ये आपके पास सीधा रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, हाँ जी मेरे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वेयर डेट इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, किसकी जो साइड है वो कितनी होगी सी एच, ये एच है ये सी है, तो 10 इंटू 15 ओवर में 10 प्लस 15,
ठीक है, 150 ओवर में 25, 25 ठीक है, 150, एक्स इज इक्वल टू 6, तो एरिया मैक्सिमम कब निकलेगा, व्हेन साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट, तो एरिया कितना होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा। तो मेरे पास सीधा आ गया रिजल्ट। अब एक तरीका तो ये बताया था मैंने निकालने का, एक और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो सभी पे एप्लीकेबल होगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन आनी चाहिए। देखिए वो तरीका सुनिए, तो देखते हैं प्रूफ दूसरा डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन से आपको बहुत ज़्यादा इजी आपको प्रूफ मिल जाएगा, और ये एप्लीकेबल भी है हर टाइप की थ्योरम्स पे। वो जो पहले वाला तरीका मैंने बताया वो एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है, बट सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका सभी पे एप्लीकेबल होगा। और देखा जाए तो SSC अब आगे कंटिन्यूएशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सब पूछ ही रही है, तो लिमिट, तो बेहतर है कि आप कंटिन्यूएशन और डिफरेंशिएशन तो कर ही लीजिए, इस पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो देखिए सपोज करो आपके पास एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे इसकी साइड एक्स होगी, ठीक है। सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल में मेरे को बताना है कि मैक्सिमम एरिया या ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, ठीक है, स्क्वायर का भी बताऊंगा इन ट्रायंगल। अब अगर रेक्टेंगल का आ जाए तब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये इसकी साइड एक्स है, ये वाई है, तो क्या करेंगे, और ये टोटल आपकी ए है, ये बी है, ठीक है। अब स्क्वायर के लिए तो मैंने बताया था वन साइड इज इक्वल टू ए बी और में ए प्लस बी, दिस इज द फोर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर रेक्टेंगल आ जाए तब मैक्सिमम एरिया क्या होगा, देखिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाइए, ठीक है, ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, बिकॉज ये साइड पैरलर हैं और ये सी का पार्ट है, तो आपका ये जो थीटा होगा ये इतनी चीज़ आपके पास क्या होगी, ये टोटल ए है और ये वाई है, ए माइनस वाई, ठीक है, और ये चीज़ आपकी एक्स ही है, तो ये जो टेंजेंट थीटा है ये आपका हो जाएगा ए बाई बी के इक्वल, और ये वाला टेंजेंट थीटा ए माइनस वाई अपॉन एक्स, इक्वेट कर दीजिए, ए माइनस एक्स, सॉरी ए माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और ए बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस बी बाय ए वाई, ठीक है, ये होगी वैल्यू। अब एरिया एक्स वाई होता था, अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू, किसी भी टर्म्स में कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए किया सपोज करो मैंने, और उसको ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम प्रूफ करनी है, मिनिमम प्रूफ करनी है, तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, ये एक्स के रिस्पेक्ट में किया, 1 प्लस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी पहले यहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे क्या करिए वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, बी माइनस बी बाय ए इंटू वाई इंटू वाई, तो ए, ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट की। अब ये मेरे पास हो गया बी वाई माइनस बी वाई स्क्वायर बाय ए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो करिए, तो ये आ गया बी माइनस 2b बाय ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से b आएगा मेरे पास a बाय 2, सॉरी a बाय 2, ठीक है। यानी कि मेरा एरिया मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए एरिया में, और ये कितना आ गया ए बी बाय
तो इसको सोल्व करके पूरा ए बी बाय फोर आ गया, ठीक है। अब मैं स्क्वायर का बता देता हूँ आपका। देखिए स्क्वायर में आपका पता है आपको टेंजेंट थीटा ए बाय बी है, ये निकालने के लिए ये इसकी साइड सपोज करो एक्स है, तो इसकी कितनी होगी, ए माइनस एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी, यहाँ से ए बी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू ए एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एंड ए बी बाय ए प्लस बी, ये एक्स हो गया। अब एरिया आपको पता है क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन कीजिए 2x आ गया, सो इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, एक्स इज 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वही मेरी क्या होगी, आंसर होगा, यानी व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए बी ओवर में ए प्लस बी। वैसे भी आप देखते थे कि कोई भी फंक्शन है सपोज करो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसके आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताते थे, डी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है, तो डी एफ एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 0 करते थे और एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे, ठीक है। तो वो एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज़ आती थी। दूसरा, अगर आपको जो एक्स की वैल्यू निकलती है आपकी, सपोज करो यहाँ इज इक्वल टू 0 करके एक्स की आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकलें, 0, 1/2, 1/3, ठीक है, तो वो अलग अलग वैल्यूज़ पे आप यहाँ पुट करिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक्स की वैल्यू आपको 0 आई है, तो जो वैल्यूज़ आपकी ये एक्स की है तो इटसेल्फ जो है वो इसकी साइड होगी, वन एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो एक ये तरीका है, और ये चीज़ आपकी हर चीज़ जगह पे एप्लीकेबल है। सपोज करो आपको पास एक सर्कल दे दिया, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल में आपको मैक्सिमम स्क्वायर इंस्क्राइब करना है, ठीक है, या फिर एक सर्कल में आपको एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो वो सारे डिफरेंशिएशन की मदद से बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं इस तरह के भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए यार मेरा, और वीडियो को लाइक कीजिए।